इंफ्रारेड से आकाशगंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है, जो चमक नहीं रही वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी और कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। ये एंड्रोमेडा का ग्रेट स्पाइरल है, हमारे पड़ोस की आकाशगंगा। इन दो बड़ी गैलेक्सीज और आसपास की छोटी गैलेक्सीज को कहते हैं लोकल ग्रुप। यहां से तो हमें अपनी गैलेक्सी नजर तक नहीं आ रही। यह हजारों वर्गों सुपर क्लस्टर में से एक है। यहां से देखने पर जो भी हमें नजर आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट भी सब आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों सूर्य और न मालूम कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये वर्गो सुपर क्लस्टर पूरी सृष्टि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यही वो ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं, जिसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं शामिल हैं। ये कॉस्मोस में हमारे पते की आखिरी लाइन है फिलहाल के लिए। ब्रह्मांड जिसे देखा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? इस काल्पनिक अंतरिक्ष यान में सवार होने के बावजूद हम अंतरिक्ष में एक तय सीमा से आगे नहीं देख सकते। ये ब्रह्मांड में हमारी अपनी सरहद है। इस सरहद के पार जो ब्रह्मांड है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक पहुंच पाता, इसके लिए ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल का इतिहास काफी नहीं है। हम में से कईयों को लगता है कि ये सब कुछ, ये सारी दुनियाएं, तारे, आकाश गंगाएं और क्लस्टर्स जो हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा है, असल में ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांडों के महासागर की एक बूंद के बराबर हैं, जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है। सृष्टियों की सृष्टि, जिसका कोई ओर छोर नहीं। छोटा महसूस कर रहे हैं ना? ब्रह्मांड के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से ग्रह के बहुत छोटे और मामूली से प्राणी हो सकते हैं, मगर हमारी सोच छोटी नहीं है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच अभी नई ही है। सिर्फ 4 सदियां पहले हमारी छोटी सी दुनिया ब्रह्मांड के बारे में अनजान थी।